क्षेत्रीय भाषा में गीत गुनगुनाते हुए हमारे पीछे आप जिन महिलाओं को देख रहे हैं ये थारू समाज की महिलाएं हैं और आप देखिए गीत गुनगुनाए जा रहे हैं और साथ में यहाँ कोई महिला जो है वो बैग बना रही है कोई डलिया बना रही हैं अलग अलग तरीके के ये जो उत्पाद आप देख रहे हैं ये जूट से जलकुंभी से और इसी तरह की तमाम जो अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं उससे बनाए जाते हैं और ये महिलाएं जो हैं सब थारू समाज की तो चलते हैं इन महिलाओं के पास और इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनकी इस हुनर के बारे में और किस तरह से ये इससे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं इसके बारे में क्या नाम है आपका मेरा नाम है छिदा ये अभी आप क्या बना रहे हैं समय? ये बैग बना रहे हैं। किस चीज़ का है ये ये जूट का है, जूट है। हाँ तो कब से कर रहे हैं काम आप 2014 से 14 से 10 साल हो गए हाँ और ये जो बैग बनाएंगे चाहे कहाँ बेचेंगे कहाँ जाएगा ये ये बैग जो दिल्ली में लगता है वहीं जाते हैं खाली दिल्ली में ले जाते हैं दिल्ली में जाते हैं इलाहाबाद भी जाते हैं सूरजकुंड में भी दुकान मिलती है और अपने दिल्ली में तो कई जगह मिलते हैं बहुत सारी महिलाएं आपके साथ हैं सब एक ही आप लोग गांव के हैं हाँ हम लोग हमारा जो मतलब बहुत बड़ा ग्राम संगठन है हमारे ग्राम संगठन में जैसे दो सौ दस महिला हैं हाँ तो सब काम करती रहती हैं कभी सरकारी ट्रेनिंग पा जाते हैं और कभी अपना काम हर समय करती रहती हैं अपने काम की वजह से अब तक कहाँ कहाँ सम्मान पाया किस किस से दो बार मैं राष्ट्रपति से मिल चुकी हूँ दो बार मिल चुकी हाँ जो राष्ट्रपति जब जीती रहें तो गद्दी में नहीं बैठी रहे तो नखलऊ में हम लोग उनको बुलाए रहें तो हम नखनऊ सौ महिला गए थे और तब वहाँ पर मिले थे और आँसू दीपावली में मैं गई थी चार महिला मेरे साथ और गई तो राष्ट्रपति से मैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ बैठी तो क्या दिया था उनको मैं क्या दे के आए थे अपना मैं अपना जो आ, मेरे लखीमपुर खीरी का वहाँ पर कुछ भी नहीं रहे तो मैं अपना एक गमला बहुत अच्छा तीन फुट का गमला सजा के अपने हाथ से बनाया कोई सामान हा, अपने हाथ से बना के तीन फुट का गमला और अपना थारू किल्चर से सजा के और वहाँ भवन में मेरा रखा हुआ है और एक जलकुम्मा की टोपी और एक जलकुम्मा की कंडिया एक चलकुम्मा की चटाई मैंने लखीमपुर खीरी से मैं सिद्धूराना दे के आई हूँ जानकी जी ये बताएं अभी डलिया बना रहे हैं आप किस चीज़ की है या? जा मूँज खाए हाँ किस किस चीज़ से बनाते हैं मूंज की बनाते हैं और जो पूजा लाते हैं काट के पूजा लगाते हैं और रंग लाते हैं तब जाके रंगाते हैं फिर बनाते हैं डलिया डलिया बना के फिर हमारी दीदी बेचन ले जाते हैं मेला में ले जाते हैं हम तो ना जाते हैं और जैसे कि कभी कभी हम चले जाते हैं संग हमारी दीदी जाते हैं तो दीदी आपको क्या देते हैं बेचे के बाद पैसा देते हैं कितना देते हैं दे देते दे हैं दिहाड़ी अच्छा जी क्या नाम है आपका मेरा नाम अशरफी देवी है शर्फी जी क्या बना रहे हैं अभी हम डलिया बना रहे हैं डलिया ये किस चीज़ की बन रही है ये कांस की बन रही है और इसमें पूजा लगा रहे हैं ये रोटी रखन के लिए बना रहे हैं तो अपने लिए बेचने के लिए अपने लिए बनाते हैं घर के लिए और और बेचने के लिए बनाते हैं ये कितनी तरह की चीज़ें हैं जिससे आप लोग ये सब सामान हैं ये बैग भी है जलकुम्बा के जलकुम्मा की टोपी भी बनाए हैं जलकुम्मा की दरी भी बनाई हैं और और जो मूंज घास की डलिया बनाई हैं और जैसे जुटका बैग टोपी जुट जुटका बनता है और बह का कहत की दरी भी बना रही हैं दीदी लोग ये जूठ है सर अच्छा और ये क्या बना रहे हैं इससे आप इससे चोटी बना रही हैं आप कब से कर रहे हैं कब नाम बताइए अपना पहले आप मेरा नाम परमिला है अच्छा, मैं ग्राम परसिया अच्छा, से हूँ आप कब से कर रही काम? सन दो हजार चौदह से अच्छा, आप या सब लोग 2014 से ही कर रहे हैं गा? जी समूह में पहले से जुड़ गए थे अच्छा तो कितना आप बना लेते हैं सब ये सामान का आर्डर आता है तो ज्यादा बन जाता है और वैसे हल्का फुल्का यहाँ सेंटर से सामान उठ जाता है ये काम में लगे हम तब पैसे की दिक्कत ज़्यादा नहीं होती जिसे अपना खर्चा खुद हम उठाते हैं मेरा नाम लीला देवी है बहुत बढ़िया बैग बनाया ये रंगा हुआ है क्या छोटी हाँ।, हाँ ये कलर हुआ है कलर किया है हाँ अच्छा और ये कितना समय लगा ये अब तो थोड़ा सा काम बचा है बचाएगी अभी ज़्यादा काम है इसमें अभी है ये इतना कब तक पूरा हो जाएगा ये ये कल तक हो जाएगा आपका राम बेटी हमारा नाम है ये बताइए कि आप ये काम कितना समय आपको हुआ ये करते? आप समूह से कर? जुड़े है जुड़ी हैं। पहले क्या करते समूह से पहले खेती बाड़ी में करते थे अपने घर में आपने देखा यहाँ पर इन महिलाओं को कि किस तरह से ये इन सभी उत्पादों को तैयार करती हैं पास में ही क्योंकि जंगल है तो जो जंगल से इनको अपनी जो ज़रूरत का सामान है वो मिलता है और उसको लाकर ये बैग ये डलिया तमाम तरह की टोपी इस तरह के उत्पाद बनाती हैं आपको हम कुछ और लोगों से भी ऐसे रूबरू कराएंगे और यही वजह है इनके काम की वजह से उन्हें राष्ट्रपति तक से मिलने का उनसे सम्मान पाने तक का अवसर मिल चुका है हम इस समय पहुँचे हैं लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी क्षेत्र में गबरोला गाँव में है और ये नेपाल बॉर्डर के पास का इलाका है यहाँ पर जो थारू समाज के लोग हैं जो थारू समाज की महिलाएँ हैं वो इस तरह से मूंज के जो जलकुंभी होती है उसके और तमाम अलग अलग चीज़ों के जूट के उत्पाद बना रही हैं और ये उत्पाद उनके देश के अलग अलग कोनों तक जा रहे हैं हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं आरती राणा जी उनसे हम बातचीत करेंगे आरती जी बहुत बहुत स्वागत आपका आइएगा आपके बड़े बढ़िया ये हम देख रहे हैं उत्पाद बने हैं तो आरती जी जो हैं इनको भी राष्ट्रपति जी से भी सम्मान मिल चुका है पुरस्कार मिल चुका है राष्ट्रपति भवन में जा चुकी है अपने इसी काम की वजह से आरती जी कब से ये चीज़ें आप लोग बना रहे हैं सर ये मैं सत्तानवे से काम कर रही हूँ सर आ, पहले जैसे कि हम लोग चंदन चौकी परियोजना कार्यालय जो जनजाति परियोजना कार्यालय है सर उसके माध्यम से हम लोगों को ट्रेनिंग मिलता था सर तो हम लोग सिलाई और कढ़ाई वो इसी में सीखते थे सर तो उसी जैसे सत्तानवे में ही मैं फिर अपना ये काम उत्पाद शुरू कर दी जैसे मूझ ग्रास का है और ये दरी का काम है सर जलकुंभी का काम है सर तो जैसे कि हम लोग जैसे पंद्रह में सन दो हज़ार पंद्रह में जब हम लोग स्वयं सहायता समूह से जब जुड़े हैं सर तो जैसे कि हम लोग को देश विदेश पूरा जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम मिलने लगे विदेश भी जी सर तो जैसे हम लोग गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जाने लगे तो जैसे कि पहले तो सिर्फ हम लोग डिल्लिया बनाते थे सर और दरी में इतना डिज़ाइन नहीं होता था सिंपल दरी बनाते थे सर तो मार्क बाहर जैसे बाजार में निकल के सर जैसे हर प्रदेश के लोग अपना अपना शॉप लगाते हैं सर तो जैसे कि उसमें काफ़ी अच्छा अच्छा डिज़ाइन जैसे लाते थे तो जैसे उनका ज़्यादा सप्लाई होता था और हम लोगों को सैम्पल डिज़ाइन कुछ लोग कम पसंद करते थे तो हम लोग जैसे थारू समझ के जैसे थारू महिलाएँ अपना स्टाइल यहाँ पर लगाई हैं जनपद लखीमपुर खेरी की महिलाएँ तो इनका सामान बिकना चाहिए और इनको जैसे बढ़ावा मिलना चाहिए तो लोग जैसे हम लोग से लेने तो देख देख के और हम लोग सीख गए जैसे कि हम लोग अब डिज़ाइन करने लगे हैं सर आज बहुत अच्छा मार्केट में ये सप्लाई भी हो रहा है सर ट्राइफेट एक ट्राइफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है उससे हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है सर जो भी हम लोग उत्पाद बनाते हैं और पूरा सप्लाई ले, ले लेते हैं सर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर सर ये हम लोग लॉन्ड्री बास्केट है सर ये जो गंदे कपड़े आज लोग जैसे नहीं तत्काल धुल पाते हैं जैसे तो ही अपना स्टाक करके अपने हफ्ते में जो सर्विस वर्विस लोग करते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है सर हफ्ते के बाद ही मिलता है उनको हुँ, हुँ। तो ये लॉन्ड्री बास्केट है इसमें वो कपड़े रखने के लिए सर और जैसे कि हम लोगों का इधर दरी है सर ये सर चार बाई छः का दरी है और ये पूरा एक कॉटन है सर और ये इसका काफ़ी अच्छा डिमांड है सर लोग बहुत अच्छा इसको पसंद भी करते हैं इसमें कई साइज़ है सर ये हाँ ये पूजा आसन है इसके योगा मेट भी हैं सर ये रनर इसको लोग बहुत पसंद करते हैं योगा के लिए भी और ये क्या कहते हैं ये बेड साइड से बेड रनर भी लोग बोलते हैं इसको योगा मेट भी बोलते हैं सर और जैसे अच्छा कि जो हम देख रहे हैं ये तो दरी की बहुत सी वैरायटी हो गई ये जो आप लोग सामान मना रहे हैं इसमें जूट हम देख रहे हैं मूंज देख रहे हैं कि और अभी जलकुंभी हमने देखी तो आप ये बताइएगा और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करके बनाए हम लोग सैंपल बनाते थे सर घर में अपना यूज करते थे सर अब जैसे कि हम लोग ये मूज का जैसे बास्केट बना के इसमें ऊन का भी डिजाइन करते हैं सर तो इसमें जैसे लोग मार्केट में ज़्यादा ही पसंद करते हैं सर और कितनी महिलाओं को सशक्तिक आपने साथ सर आज की डेट में सर दस से अधिक महिलाएं हैं सर हज़ार से जी सर जो आप परसिया विजिट करके आए हैं सर वो मेरा ही वो है और जैसे इधर हर गाँव में जाएंगे सर तो हर गांव में आपको 120, 100, 110 मेला है हर ग्रुप मिलेंगी सर यहाँ पर आपके अपने जीवन में और घर में क्या बदलाव आया अब तो बहुत कुछ सर पहले तो रहन सहन भी हम लोगों का बहुत स्थिति खराब था सर और जैसे कि आजकल तो जैसे अपना रोज़गार से जुड़ के और महिलाएं अच्छा काम करके अपना खुद सर हम लोग अपना आजीविका खुद अच्छे से चला रहे हैं सर आज महिलाएं जुड़ के और पहले रहन सहन बहुत हम लोगों का ख़राब था जैसे हम लोग पहले जो कपड़े पहनते थे उनके बिछा बना के वही बिस्तर रहता था सर आज हम लोगों का बेड अच्छे से गद्दा सर तकिया सब लोग की हम लोगों के बेड शीट का चादर आज बहुत अच्छा है सर हम लोगों का तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो चंदन चौकी क्षेत्र है यहाँ के अलग अलग जो गांव में महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं एक बड़ी संख्या है जो इन उत्पादों को तैयार करती है और इन उत्पादों की वजह से उनको एक अलग पहचान भी, भी दी है आर्थिक रूप से सशक्त भी हुई हैं और इन चीज़ों को बनाने के साथ ये जो आपने देखा कि किस तरह से जलकुंभी का सामान है जूट का सामान है कांस का सामान है ये सारे सामान बनाने के अलावा दरिया भी ये लोग बनाती हैं एक से एक और इसको अलग अलग जगह पर ये लोग बेचती हैं जिससे इनको एक अच्छी आमदनी भी हो रही है अपनी पहचान बन रही है और अब ये महिलाएँ दूसरी महिलाओं को भी इस काम से जोड़कर उन्हें भी सशक्त करके उनके जीवन में एक बदलाव लाने की कोशिश में लगी हुई हैं अरोरा गाँव जंक्शन